हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मोहम्मद जमीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यस्टरडे वी सॉ वेरी नाइस पोएम टाइम ऑन पेज नंबर 54 ऑफ योर माय इंग्लिश बुक 6 एंड टुडे वी विल प्रोसीड टू इट्स क्वेश्चन आंसर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने टाइम ये पोएम पेज नंबर 54 पे आपके बुक के देखे हैं और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, फॉर्म पेयर्स टू रीड द पोएम अलाउड। पेयर्स बनाना है पोएम को, जो है लाउड रीडिंग करना है। वन पर्सन रीड्स द क्वेश्चन एट फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट लाइन इन ईच स्टांजा एंड द अदर वन रीड्स द आंसर। तो आपको दो दो जोड़ियां बनाना है अपने दोस्त के साथ या सहेली के साथ, और एक बच्चा जो है वो पहली लाइन पढ़ेगा जिसमें क्वेश्चन है पोएम की, और दूसरा जो बच्चा है वो पोएम की सेकंड लाइन पढ़ेगा जिसमें आंसर दिया हुआ है। इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करना है। उसके बाद प्रैक्टिस डूइंग दिस एंड देन प्रेजेंट द पोएम इन अ पेयर, इसकी प्रैक्टिस करना है और एक पेयर की शक्ल में क्लास में आपको ये प्रेजेंट करना है। यानी कि दो बच्चे आएंगे और सामने खड़े रहकर एक बच्चा क्वेश्चन करेगा, दूसरा बच्चा आंसर देगा। इस तरीके से ये पोएम आपको प्रेजेंट करना है क्लास में, इसमें लिखना कुछ भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट द राइमिंग वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम। पोएम में से राइमिंग वर्ड्स के या फ्रेजेस के जो है आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। उसके बाद देन पुट ईच पेयर इंटू टू ग्रुप्स एज फॉलोस, और उन राइमिंग वर्ड्स के पेयर्स को दो ग्रुप में आपको डिवाइड करना है जैसा कि नीचे दिया गया है। पहला है राइमिंग पेयर्स, इधर है सेम स्पेलिंग और इधर है डिफरेंट स्पेलिंग। तो कुछ राइमिंग पेयर्स ऐसे होते हैं जिसके स्पेलिंग लास्ट के जो कुछ वन और टू लेटर्स होते हैं वो एक जैसे आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसके स्पेलिंग्स मैच नहीं होते लेकिन वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तो वो हमको बनाना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का आंसर ये पूरा लिखा हुआ है, आप लोग भी वीडियो को क्या कीजिए, पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन के आंसर को आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं सेम स्पेलिंग वाले राइमिंग वर्ड्स। प्ले डे, क्लियर ईयर, एज सेज, ये तीन क्या है, सेम स्पेलिंग वाले राइमिंग वर्ड्स। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड वन, डिफरेंट स्पेलिंग वाले राइमिंग वर्ड्स। सबसे पहले आवर शावर, देखिए स्पेलिंग कितने चेंज है लेकिन ये राइमिंग वर्ड्स है। आवर शावर, मिनट इनिट, वीक स्पीक, मंथ रंथ, टाइम राइम, ये ऐसे राइमिंग वर्ड्स है जिसके स्पेलिंग्स डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन जो है आप आंसर इसका लिख लीजिए। नंबर 3, लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड विथ टाइम फ्रॉम द पोएम। पोएम में जितने भी वर्ड्स आए हैं जो टाइम से रिलेटेड हैं, यानी कि जिसका ताल्लुक टाइम से है, वो वर्ड्स आपको लिखना है। तो आंसर यहाँ पे है सेकंड्स, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, एज, ये पूरे वर्ड्स टाइम से रिलेटेड है जो पोएम में आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अदर चेंज ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एग्जांपल, हाउ मेनी मिलीग्राम्स इन अ डेसीग्राम। यहाँ पे एक कुछ वर्ड्स दिया है, मिली सेंटी डेसी मीटर लीटर ग्राम डेका हेक्टो किलो। इसकी मदद से आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर की चेन जो है बनाना है। यहाँ पे जैसा कि हाउ मेनी मिलीग्राम्स इन अ डेसीग्राम, इसका आंसर होगा 10 मिलीग्राम्स इन अ, ये डेसीग्राम का कहाँ पर है, ठीक है चलिए यहाँ पर है, हाउ मैनी, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पे है, ये आगे मैंने बनाया है, आप जो है ये कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए कैसे चेन बनाना है। तीन चेन्स बनाए हुए हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, और आप वीडियो को पॉज करके ये अपने नोटबुक में आंसर लिख लीजिए। पहला है हाउ मेनी मिलीग्राम्स इन अ सेंटीग्राम, आंसर 10 मिलीग्राम्स इन अ सेंटीग्राम। हाउ मेनी सेंटीग्राम्स इन अ ग्राम, 100 सेंटीग्राम्स इन अ ग्राम,
How many grams in a kilogram? 1000 grams in a kilogram. How many decigrams in a hectogram? 1000 decigrams in a hectogram. तो यहाँ पर मतलब एक सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि 10 मिलीग्राम से एक सेंटीग्राम बनता है. वैसा ही 100 सेंटीग्राम का एक ग्राम बनता है और 1000 ग्राम का एक किलोग्राम बनता है और 1000 डेसीग्राम का एक हेक्टोग्राम बनता है. इस तरह से आप आगे देखते हैं. हाउ मेनी मिली मीटर्स इन अ डेसीमीटर? 100 मिलीमीटर्स इन अ डेसीमीटर. एक डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं. हाउ मेनी डेसीमीटर्स इन अ डेकामीटर? तो 100 डेसीमीटर इन अ डेकामीटर. एक डेकामीटर में 100 डेसीमीटर होते हैं. हाउ मेनी डेसीमीटर्स इन अ हेक्टोमीटर? तो एक हेक्टोमीटर में 10 डेसीमीटर्स होते हैं. हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन अ हेक्टोमीटर? एक हेक्टोमीटर में कितने होते हैं? 1000 सेंटीमीटर का एक हेक्टोमीटर बनता है. और इधर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाउ मेनी मिलीमीटर्स इन अ सेंटीलीटर? तो एक सेंटीलीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीलीटर्स. हाउ मेनी सेंटीलीटर्स इन अ लीटर? 100 सेंटीलीटर्स इन अ लीटर. एक लीटर में 100 सेंटीलीटर होते हैं. हाउ मेनी डेसीलीटर्स इन अ हेक्टोलीटर? तो एक हेक्टोलीटर में 1000 डेसीलीटर. 1000 डेसीलीटर का एक हेक्टोलीटर बनता है. और लास्ट, हाउ मेनी लीटर्स इन अ किलोलीटर? एक किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं? तो 1000 लीटर्स इन अ किलोलीटर. 1000 लीटर का एक किलोलीटर बनता है. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव मेरा वो पेज पे नहीं आया, इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे एडिट किया है. आप उसी पेज पे देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव, द पोएम कंटेन्स सम आइडोमेटिक पेयर्स, टू वर्ड्स दैट आर ऑफन यूज टुगेदर. कुछ आइडोमेटिक पेयर्स होते हैं, ऐसे अल्फाज जो आम तौर पे एक साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि सन एंड शावर. जैसे हम बोलते हैं ना, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, इस तरीके से. तो ऐसे जो है आइडोमेटिक पेयर्स पोएम में यूज हुए वाले हैं. उसके बाद सन एंड, टू वर्ड्स दैट आर ऑफन यूज टुगेदर, सन एंड शावर. यहाँ पे तीन एग्जांपल दिए हुए हैं, सन एंड शावर, वर्क एंड प्ले, हियर एंड स्पीक. अब आपको क्या करना है, नाउ जॉइन द वर्ड्स इन ए एंड बी यूजिंग एंड और टू मेक मोर आइडोमेटिक पेयर्स. एंड या और की मदद से इनको जोड़ना है और ऐसे ही आइडोमेटिक पेयर्स आपको बनाना है. यहाँ पे जैसा कि डे एंड नाइट, लेफ्ट एंड राइट, मोर और लेस, नाउ एंड देन, लाइफ एंड डेथ, सुनर और लेटर, इस तरीके से हेयर एंड देयर, नॉर्थ एंड साउथ, ट्रायल और एरर, इस तरीके से यहाँ पे मैंने बनाया है. आप भी वीडियो को पॉज करके जो है ये लिख लीजिए. लास्ट क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 55, आंसर डे एंड नाइट, लेफ्ट एंड राइट, मोर एंड लेस, नाउ एंड देन, लाइफ एंड डेथ, सुनर और लेटर, हेयर एंड देयर, नॉर्थ एंड साउथ, ट्रायल एंड एरर, रीड एंड राइट, ईस्ट एंड वेस्ट, यस एंड नो, ब्रेड एंड बटर, बैक एंड फोर्थ, ऑन एंड ऑफ, अप एंड डाउन, गिव एंड टेक, इन एंड आउट, हाई एंड लो, मेक एंड ब्रेक, ब्लैक एंड वाइट, इस तरीके से. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर. आगे का जो एक बहुत ही अच्छी कहानी है, द मैजिक हर्ब, यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. होप आपको ये समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.